जैसा कि आप लोगों को पता है, टाउन थाना मधुबनी में केस नंबर 98/23 में चोरी की एक घटना की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें पुलिस ने सूचना संग्रह किया। इसके लिए पुलिस अधीक्षक मधुबनी महोदय के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें कई थानाध्यक्ष और अन्य टेक्निकल टीम के सदस्य थानाध्यक्ष राजा के नेतृत्व में छापामारी में गए और सीसीटीवी फुटेज और सूचनाओं के आधार पर कई जगहों पर छापामारी की गई। उस छापामारी में चोरी किए गए सामानों की बरामदगी हुई। बरामद के सामान में लगभग 1 किलो सोने के गहने हैं और लगभग 25 केजी चांदी है। इस छापामारी के दौरान जहां से ये चीज़ें बरामद की गई, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया चोरी का, 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वादी के अनुसार अभी जिन जिन चीज़ों को उन्होंने अपनी सूची दी है, उसके लिए और भी छापामारी जारी है और छापामारी के दौरान जो भी चीज़ें बरामद होगी या जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसकी सूचना ससमय आप लोगों को दी जाएगी। लगभग कितने की चोरी है सर? ये चोरी जो है कि अपने उन्होंने जो सूची दी हुई है उसके अनुसार हम लोग अभी उसका निर्धारण करवा रहे हैं। अभी जो हमने बरामद कर लिया है उसकी मैं सूचना आपको दे रहा हूँ, फिर आगे जो बरामद की होगी उसकी भी सूचना आपको। फिर भी लमसम तो कुछ तो अभी उसका हम लोग ये सर्वेक्षण करके उसका हम लोग सर चर्चा में है कि करोड़ों रुपए की जेवरात उसके यहाँ से चोरी हुई है। जैसा बैग था जो जैसा वादी के द्वारा एफआईआर में लिखाया गया है कि उनके घर में सेल टैक्स या इनकम टैक्स की जो छापामारी चल रही थी उसमें महिलाएं अपने जो जेवर और गहने जो यूज करती थी उसको उन्होंने एक सूटकेस में रख के घर में रखा था, जिसे बाद में ताला तोड़ के चोरी कर लिया गया। उन्हीं के एफआईआर के आधार पे हम लोग उसका सर्वे करवा रहे हैं, जो चीज़ें वो बता रहे हैं, और उसके आधार पे छापामारी हो रही है। जितने चीज़ों की बरामदगी हुई है वो अभी आपके समक्ष रखा गया है। बाकी जैसे हमारा इन्वेस्टिगेशन और बरामदगी या चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपको हम ससमय सूचित करेंगे। उससे सर उस सामान का डिटेल मांगा जाएगा क्या व्यापारी से? वो अपना डिटेल उनसे हम लोग लेंगे और लेने के बाद उस अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने लोग गिरफ्तारी हुई? अभी 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सब नगर थाना क्षेत्र के हैं? हाँ, विभिन्न थाना क्षेत्रों के भी हो सकते हैं और अभी हम लोग उनका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। मनोरथ नहीं है।